अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में गत 2-3 दिनों से मौसम में आए भारी परिवर्तन से तापमान में गिरावट आ गई है। शाम होते ही धुंध छा जाने से आवाजाही प्रभावित हो रही है, तो वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह के समय में भी सूर्य देव के दर्शन देरी से होने के चलते लोगों को ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। बाजारों में भी दुकानदारों के द्वारा ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सेकते हुए देखा जा रहा है। हमीरपुर में गत 2-3 दिनों से मौसम में आए काफी परिवर्तन से तापमान में गिरावट आ गई है। शाम होते ही धुंध छा जाने से आवाजाही प्रभावित हो रही है, तो वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सुबह के समय सूर्य देव के दर्शन देरी से होने के चलते लोगों को ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। बाजारों में भी दुकानदारों के द्वारा ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सेकते हुए देखा जा रहा है। सच्ची गल मैं दी छोर को पे आवे फोन पे तो जग दियो ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सेक रहे लोगों ने बताया कि 2-3 दिनों से काफी ठंड बढ़ गई है और इस कारण ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों के अलावा दिन भर आग सेकनी पड़ रही है। बहुत है ठंड के मारे हम अंगार फेंक रहे हैं। लोगों ने बताया कि ठंड के साथ रात के समय में गहरी धुंध होने के कारण गाड़ियां तक चलाना मुश्किल बन रहा है, जिससे काफी समस्या हो रही है। क्या क्या हालात है जनाब, 2 दिन हो गए मौसम में तब्दीली हुई है। 2 दिन से पूरे इलाके में भारी धुंध पड़ी हुई है और चलने फिरने में और जो गाड़ी चलाने वाले और जो 2-व्हीलर 4-व्हीलर सभी को बहुत दिक्कत आ रही है। फॉग लाइट या इंडिकेटर लाइट चलाकर काम चलाया जा रहा है। वही कपड़ा विक्रेता अश्विनी जगोता ने बताया कि ठंड के मौसम में शिमला से भी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोग ठिठुर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ठंड बढ़ने से गर्म कपड़ों की सेल बढ़ेगी। से जो हमीरपुर का मौसम बदला है, शिमला से भी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो अनुमान तो है कि जो बुलन हमारे कपड़े हैं उनकी सेल बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मंदी के दौर से व्यापारी गुजर रहे हैं। तो भगवान ने शायद हमारे बारे में सोचा है, सरकार तो नहीं सोच रही है, तो आशा है कि हमारा जो बुलन की सेल है वो और बढ़ेगी। लोगों का कहना है कि ठंड बढ़ने से शरीर कांप रहा है और एलर्जी की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और तापमान में काफी गिरावट आ रही है। कितने 2-3 दिनों से बड़ी तापमान में गिरावट आई है, क्या कहना चाहेंगे? 2-3 दिन से जो है तापमान में बहुत गिरावट आ रही है, धुंध पड़ रही है और बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं, पूरे एलर्जी हो रही है, शरीर कांप रहे हैं। सूर्य देव दे रहे हैं, दर्शन ही दे रहे हैं। धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, सूर्य जो है बादल से ढका हुआ है।